Hey what's up everyone this is itesh jetwani i welcome you on my youtube channel this is the poem number 4 for standard 12 the poem name is a thing of beauty this is written by john keats let us start a thing of beauty is a joy forever its loveliness increases it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and sleep for full suite of dreams and health and quiet breathing तो पोर्ट जो हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारा नेचर है उसका जो जॉय है वो कैसा होता है फॉर रहता है और इसका जॉय जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता ये डे बाई डे क्या होता है इंक्रीज होता जाता है एंड ये कभी भी नथिंग मतलब कभी भी इसका जो नेचर का जो जॉय है वो ख़त्म नहीं होता बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फॉर स्वीट ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग और हमारा जो नेचर है हमें क्या प्रोवाइड करता है हमारा नेचर जो है हमें पावर प्रोवाइड करता है पावर जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ शेड अगर हम किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें जो शेड मिलता है हम उसे बाबर बोलते हैं और अगर हम नेचर के बीच में सोते हैं तो हमें अच्छे से सपने भी आते हैं हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हमारी ब्रीदिंग मतलब जो सुबह ऑक्सीजन मिलता है हमें वो बेटर रहता है हमारी हेल्थ के लिए देर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावर ई बैंड टू बाइंड टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ एवरी इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट जो हैं कि ऑन एवरी मोरू मतलब ऑन एवरी डे मॉर्निंग हम क्या करते हैं उठते हैं और हम अपने आप को नेचर के साथ बांधने की कोशिश करते हैं हम नेचर के साथ अपने आप को बांधते हैं ठीक है अ फ्लावरी बैंड बाइंड विद द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस इतनी निराशा होने के बावजूद भी इतने इनह्यूमन डर्थ होने के बावजूद भी इनह्यूमन डर्थ का मतलब होता है जो लोग अच्छे काम नहीं करते मतलब इंसानियत जो है वो अभी कैसी होती जा रही है वो ख़त्म होती जा रही है ऑल इन ह्यूमन डर्स ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज ग्लूमी डेज का मतलब होता है अ सैड डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड अवर सर्चिंग एस तो जब ऐसी चीज़ें होती है जब जो है इंसानियत ख़त्म हो जाती है और जब सारे लोग सैड हो जाते हैं ठीक है उस समय पे हमारा जो सर्च होता है ना वो कहाँ पे ख़त्म होता है uh, जब हम नेचर को विजिट करते हैं इंस्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवेल द पॉल सो पॉल का मतलब होता है curtain. So ये जो नेचर है ना नेचर क्या करता है कि हमारे जो आँखों के ऊपर जो पर्दा लग चुका है उसको वहाँ से दूर करता है हमारी सैडनेस को दूर करता है फ्रॉम our डार्क स्पिरिट सर्च द सन द मून द ओल्ड ट्रीज ट्रीज ओल्ड एंड यंग एंड स्प्राउटिंग शेडी बोन तो यहाँ पे नेचर में जैसे कि सन है मून है ओल्ड ट्रीज एंड यंग ट्रीज हैं. फॉर सिंपल शिप अ सच आर डफोडील्स विद द ग्रीन दे वुड लिव इन तो यहाँ पे एक शिप मतलब एक किसी भी लिविंग थिंग के साथ इसको बताया गया है कि जैसे कि शिप होती है शिप जो जब जंगल में रहते हैं या तो जो हम ह्यूम होते हैं जो हम नेचर के साथ रहते हैं तो इट सीम्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल और ये डफोडील्स है, जो हैं डफोडील्स आर एक्चुअली फ्लावर्स जो येलो फ्लावर्स होते हैं उसे तो हम डफोडील्स बोलते हैं एंड द क्लियर रील्स देट फॉर देम कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस अ हॉट सीजन तो ये आप आ, रील्स की बात करते हैं रील्स जो होता है ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में अ काइंड ऑफ झरना जो मतलब किसी भी फॉरेस्ट वगैरह में बहता है वो क्या करता है कूलिंग कवर्ड प्रोवाइड करता है किस को हॉट सीजन में जो उसके आसपास के जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसको कूलिंग कवर प्रोवाइड करता है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ द स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोज ब्लून तो मस्क रोज जो है दैट इज़ अ वाइट रोज उसके बारे में बताया गया है और जो वाइट रोज होता है वो भी कहाँ खिलता है वो भी कीचड़ में खिलता है एंड सच टू इज़ अ ग्रैंडर ऑफ डूम्स सो ग्रैंडर इज मीन्स भव्यता और डूम्स मतलब डेथ <coughs> तो यहाँ पे Uh, हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि किसी की मौत क्या इतनी भव्य ग्रैंडर हो सकती है तो हाँ द आंसर इज फॉर द पीपल हु गॉट मार्टडम जो शहीद हो चुके हैं उन लोगों की वी हैव इमेजिन फॉर अवर माइटी डैड तो हमने इनकी जो माइटी डैड थी हमने इनकी डेथ के बारे में ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रीड हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं हमने पढ़ी भी हुई हुई हैं एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक पॉरिंग पॉरिंग अन टू अस फ्राम आवर हैवन स्प्रिंग और ये जो नेचर होता है जो नेचर का जो फाउंटेन होता है वो जो है वो कहाँ से निकलता है दैट कम्स फ्राम हैवन वो स्वर्ग से निकलता है डायरेक्टली सो बेसिकली पॉइट वॉन्टेड टू से जो नेचर है वो हमें बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल सकता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे सेफ है